YouTube चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट टार्ट, जिसमें हमें चॉकलेट टार्ट बनाने के लिए चाहिए 15 डाइजेस्टिव बिस्किट्स। ये है 300 ग्राम्स डार्क चॉकलेट, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। फिर हमें इधर चाहिए, ये दिख नहीं रहा है, ये है वलिना एसेंस 1 टीस्पून। फिर हमें चाहिए सॉफ्टन बटर 4 टेबलस्पून। हमें चाहिए ये मेल्टेड बटर 6 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और 1 कप ये है हैवी क्रीम। अब हम जो हमारे डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, इनको हम इसमें डाल के फूड प्रोसेसर में ग्राइंड करेंगे। इनका हमें चूरा सा बनाना है। बिस्किट्स सही तरह से ग्राइंड हो गए। अब इसमें जो हमने मेल्टेड बटर कराया है वो डालेंगे हम। इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर लीजिए खोल के, कि जो बटर है वो सब जगह अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो इसको एक बार और मैं फूड प्रोसेसर में चलाऊंगी। तो ये मैंने 9 इंच का या 23 सेंटीमीटर का ये टार्ट का मोल्ड है मैंने लिया है। इसमें अब हम जो हमारा बिस्किट और बटर का मिक्सचर है उसको हम इसमें डालेंगे। तो आप यूज कर सकते हैं स्पैचुला, यूज कर लीजिए आप, थोड़ा इजीली ये सारा मिक्सचर हमको डाल के इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है कि बिल्कुल ये अच्छी तरह से उस पे उसके मोल्ड पे लग जाए। तो आप इसको हल्के हल्के स्पून की मदद से, बड़ा आसान है ये, कोई इतना अच्छा। इसको अब आपने जब इसको पूरा स्मूथ कर लिया है, बराबर कर लिया है, इसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करिए, इसको ऐसे दबाइए ताकि जो ये टार्ट का जो मोल्ड है वो उसमें सही तरह से बिस्किट हो जाएं। तो जब हम इसको अनमोल्ड करेंगे तो उसमें बड़ा सा अच्छा सा एक टार्ट का जो शेप है वो आता है। तो इसको आप आराम आराम से थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए इसके साइड, ताकि मोल्ड में आ जाए। अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए, और इससे इस बीच में फिर मैं इसकी जो टॉपिंग बनाऊंगी चॉकलेट की वो दिखाऊंगी मैं आपको। आप चॉकलेट को थोड़ा चॉप कर लीजिए क्योंकि ये हमें अभी मेल्ट करनी है। अब मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करा है, पानी पूरा ऊपर तक ना हो, और इसमें मैं ये ग्लास का एक बोल रख रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे हमारी क्रीम। हमें ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम सारी चीज़ों को मेल्ट करने के लिए अच्छे से पानी के ऊपर से, और मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इज़ वेल कम्बाइंड। तो ये डाली मैंने क्रीम। इसमें हम ऐड करेंगे अब शुगर। इसी में हम ऐड करेंगे हमारा सॉफ्टन बटर।
इसमें जाएगी सॉरी हमारी चॉकलेट। इसको थोड़ा सा आप मिक्स करिए। और इसी में अब हम ऐड करेंगे हमारा वेनिला एसेंस। इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल एक चुटकी नमक डालेंगे थोड़ा सा। और इसको अब हमें तब तक इसको हमें बनाना है जब तक सब कुछ सही तरह से मेल्ट ना हो जाए, जो बटर है चॉकलेट है और ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो मैं आपको इसको आप चलाते रहिए, मैं आपको दिखाऊंगी भी हमें कितना स्मूथ करना है, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, इसमें कोई भी चंक्स नहीं रहेंगे चॉकलेट के। शाइनी सा एक मिक्सचर तैयार हुआ है ये देखिए। और बस इस पॉइंट पे अब मैं इसको बंद कर दूंगी और इसको हम कूल होने के लिए रखेंगे एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक, जब तक ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। दोस्तों अब ये देखिए हमारी जो टार्ट का बेस है वो तैयार हो गया है। ये मैंने 1-1.5 आवर्स फ्रिज में रखा है, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। तो देखिए ये बिल्कुल सेटल हो गया है क्योंकि इसमें बटर था, तो ये देखिए ये बिल्कुल बेस के साथ चिपक गया है। तो इस टाइम अब मैं जो हमने चॉकलेट का मिक्सचर तैयार करा है वो मैं इसके ऊपर पोर करूंगी। ये देखिए जो चॉकलेट का मिक्सचर है जो हमने बनाया था ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो मेक श्योर इट्स कम्प्लीटली कूल्ड इसको ऐड करने से पहले। तो अब मैं इस पे पोर करूंगी। आपको इवनली पोर करना है, डोंट वरी अबाउट कि अभी ये ऐसे लग रहा है, हम इसको अच्छी तरह से उसके ऊपर पोर करेंगे और उसको फिर मैं स्पैचुला की मदद से उसको इवन करूंगी। अब ये देखिए इसको हमें आराम से स्प्रेड करना है। अच्छा आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप चॉकलेट यूज़ करें तो वो चॉकलेट डार्क चॉकलेट ही यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें मिल्क चॉकलेट यूज़ करी तो ये बहुत मीठा हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द सेम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। इसको अच्छी तरह से हम फैलाएंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे आप घुमाते रहिए और उसको इवनली स्प्रेड करते रहिए। बड़ी आसान रेसिपी है, इसमें कोई बेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बस थोड़ा सा फ्रिज में आपको रेफ्रिजरेट ही करना है इसको, बाकी बहुत ही आसान है और बड़ी ही लजीज बनती है ये। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके शेक करके थोड़ा क्लॉकवाइज थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो जो लिक्विड है वो अपनी जगह खुद बना लेगा। तो ये अब हो गया है अच्छे से। अब हम इसे या तो आप 5 to 6 आवर्स इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, वैसे मैं इसको ओवरनाइट रेफ्रिजरेट करूंगी जब तक ये अच्छी तरह से सेटल ना हो जाए, और फिर हम इसको आके कट करेंगे। दोस्तों तो मैंने अब हमारी जो टार्ट है वो निकाल ली है। मैंने इसको ओवरनाइट आप लोगों से कहा था, लेकिन मैंने जब चेक करा तो मुझे लगा ये हो गई है, तो मैंने इसको करीबन रखा होगा 4 से 5 घंटे। अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग। तो अब इसको हम मोल्ड से निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने ऐसा एक कोई तरह का भी प्याला ले लीजिए, आप उसको ऐसे रखिए और इसको बिल्कुल मिडल में रखिए और थोड़ा सा आप इस पे जोर लगाएंगे। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगी एक प्लेट पे। इसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ बहुत आराम से। अब ये देखिए आप इसके चारों तरफ टार्ट का जो शेप आया है, अब इसको हम कट करेंगे। अब दोस्तों मैंने इसको काट लिया है, इसको थोड़ा डेलिकेट है ये, तो इसको आराम से आप काटिएगा। और ये देखिए
अब इस पे मैंने थोड़ी सी क्रीम विप्ड कर ली थी, तो वो मैं हल्की सी इस पे लगाऊंगी। आप चाहें तो लगाएं, चाहें इसको अवॉइड करें तो कर सकते हैं। और इसको अब फैमिली के साथ एंजॉय करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगेगी रेसिपी। काफ़ी इजी है, क्विक है। मैं बस दोस्तों ये उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई करिए, मुझे इसका फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। बस एक चीज़ याद रखिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगली बार तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। फिर जल्दी मिलते हैं। खुदा हाफिज़।